बबुआ की बहुरिया। ओ कृष्णा। हाँ हाँ कृष्णा, लोग कृष्णा नाम रखते हैं। पता नहीं इनके माँ बाबूजी को का सूझी थी जो कृष्णा की जगह कृष्णा रख दिया। अरे ये छोड़ो, ये बताओ कि उसने फोन क्यों किया था। वो कुछ मांग रही थी। क्या मांग रही? अरे क्या बोलते हैं उसे वो, आशियाना? नहीं नहीं। तो पैसा? अरे नहीं नहीं, अरे वो जो पति पत्नी अलग होने के लिए वकील बाबू के पास जाते हैं ना। अच्छा समझी। का दीदी? तलाक के लिए केस फाइल कर रही होगी। हाँ वो उसी के लिए फोन की थी। लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही? अरे वो कृष्णा का फोन आया तो वो हमारी वर्षा पर गुस्सा हो गई, तो हमने फोन लेकर उसे समझा दिया। लेकिन हमने वर्षा को बहुत डांटा कि इन सब झमेले में पड़ने की तुम्हें जरूरत का थी, तुम्हें कोई दूसरा नहीं मिला था का? काहे किसी की बद्दुआ ले रही हो? नहीं बिमला, वर्षा किसी की बद्दुआ नहीं ले रही। कृष्णा खुद अपने कर्मों की सजा भोग रही है। किसी बात की कोई कमी नहीं छोड़ी थी हमने, लेकिन उसके बाद भी पूरे घर को बर्बाद करने के बाद ही चैन मिला उसे। ठीक ही कहते हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। बिल्कुल सही है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। बिमला तुम्हें तृष्णा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, करने दो उसे प्लीज, मैं समझाऊंगी अकेले को। मैं नहीं चाहती कि तृष्णा इस घर में या अखिल की जिंदगी में दोबारा फिर कभी आए। ठीक ही किया वर्षा ने जो उस दिन दो बातें सुना दी उसे। तुम भी उसे वापस मत आने देना। वो तो वापस नहीं आएगी, लेकिन हम आपको उसकी तरह रास्ते पर जरूर ले आऊंगी। अचानक बुला लिया देवराज सर, किस लिए? शर्मा जी जब कभी भी मैं आपको याद कर लिया करूं तो आप ये समझ जाया कीजिए कि कहीं ना कहीं मेरी गाड़ी अटकी होगी, इसलिए मैंने आपको बुला लिया। चलिए ठीक है, मैं ही समझने की कोशिश करता हूँ। हो ना हो इस बार एकता नगर का प्रॉब्लम होगा। देखा बनवारी, इसे कहते हैं इंटेलिजेंट। क्यों सर, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ? अरे मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं था। नहीं नहीं सर, तो आप क्लियर कीजिए तो कैसा था मतलब आपका है? या तो आप मुझे इंटेलिजेंट नहीं समझते या फिर आप इनका मजाक उड़ा रहे। अरे बाबा तुम इंटेलिजेंट हो बस। देखा, सुना आपने, आपका मजाक उड़ा रहे सर। मैंने आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी देवराज साहब। अरे शर्मा जी आप भी कहां इस बेवकूफ की बातों में आ गए, इसे तो मजाक करने की आदत है। आपने मुझे बेवकूफ कहा, मुझे? बनवारी हम बाद में बात करेंगे, तुम फिलहाल जाओ। सर ये तो गलत बात है। गलत और सही का फैसला हम बाद में करेंगे, तुम फिलहाल जाओ यहाँ से। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ तो देवराज साहब हम एकता नगर के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ तो चलो अच्छा हुआ तुम्हारी मिल पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से अभी एक काम बाकी है। वो क्या? पूजा। मिल की सारी मशीनें रिप्लेस हो जाए तो हम पूजा रखवाएंगे। हाँ बिल्कुल, तुमने ये बात बिल्कुल सही कही। क्यों प्रिंस? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। अरे भाई पूजा जरूर करवाएंगे। एक्चुअली क्या है कि मिल की सारी मशीनें रिप्लेस करवाने में टाइम जाएगा, तो जो भी मशीनें रिप्लेस हो चुके हैं हम उन्हें शुरू करवा देते हैं। अरे भाई पूजा करवा के उन्हीं मशीनों से मिल का काम शुरू करवा देते हैं। अरे मैं कल ही जावेद से कहकर सारी अरेंजमेंट्स करवा देता हूँ। तुम जावेद भाई को अरेंजमेंट के लिए कुछ नहीं कहोगे? क्यों दामिनी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि हम पूजा घर पर रखेंगे और पूजा की सारी तैयारी मैं और पूर्णिमा मिलकर करेंगे। गुड आइडिया, मतलब शॉपिंग होगी। अरे बाबा कपड़े खरीदने नहीं जाना है, पूजा की सामग्री खरीदने जाना है। तो पता भी है पूजा में क्या क्या चीजें लगती हैं। वही आई शॉपिंग करने जाएंगे क्या? अरे भाई सॉरी,
कम से कम मामा जी के सामने तो मेरी इज्जत क्या करूं? देखिए मामा जी, ऐसे कह रहे मानो मैं सबके सामने इनकी बेइज्जती करती हूँ। अरे भाई पूर्णिमा, प्रेम अच्छी तरह से जानता है कि मामा जी तो अपने हैं, वो बाहर जाकर किसी को बताएंगे तो नहीं, और इसीलिए इसने सच सच बता दिया मुझे। आप ही मामा जी। क्यों क्यों क्यों, चलो मामा जी को भी मेरी तरह चिमटा काट कर दिखाओ। आप भी प्रेम। अच्छा अब हम पूजा की तैयारी करें? हाँ हाँ क्यों नहीं। मामा जी मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम गणेश जी की पूजा रखें। लेकिन अभी अभी तो गणेशोत्सव गया है, कोई खास बात? हाँ मामा जी, आपको तो पता है कि मैं गणेश पूजा हर साल मम्मी के साथ घर में मनाती हूँ, लेकिन इस साल ना घर रहा ना ही मम्मी का साथ और ना ही गणेश जी की पूजा। पता नहीं क्यों इस साल कुछ कमियां, कुछ अधूरापन सा लग रहा है। ठीक है दामिनी, तो एक काम करते हैं, मिल शुरू होने की खुशी में घर में गणेश पूजा रखते हैं, घर के सारे सदस्यों को यहाँ पर बुलाएंगे और जो भी रूठे हैं उन्हें भी मना लेंगे। हाँ प्रेम, लेकिन अपने दुश्मनों को मत भूलना, उन्हें जरूर न्योता भिजवाना ताकि उन्हें तुम्हारी ताकत का अंदाजा हो जाए। मामा जी कहीं आप देवराज की तो बात नहीं कर रहे हैं? हाँ प्रेम, मामा जी देवराज अंकल की ही बात कर रहे हैं, लेकिन मामा जी मुझे नहीं लगता वो आएंगे। एक आइडिया, देवराज को यहां आने से आपत्ति हो सकती है लेकिन मेरे घर आने से उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। मतलब? अरे मतलब साफ है, यही कि ये गणेश पूजा मामा जी के घर रखवाएंगे, है ना मामा जी? एग्जैक्टली, और इससे दो बातें हो जाएगी, दीदी को बुलाने का काम प्रेम तुम्हारा, क्योंकि दीदी कभी भी तुम्हारी बात नहीं टालेंगी। और रही बात देवराज की, तो इसके लिए दामिनी तुम पद्मा से बात करना, पद्मा तुम्हारी बात नहीं डालेगी, और पद्मा से यह कहना कि वो कुछ भी करे लेकिन देवराज और राहुल को साथ लेकर आए, देखना वो खुद उन दोनों को बनाकर साथ ले आएगी। अरे वाह मामा जी, व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया। चलो दामिनी अब जल्दी से फोन लगाकर पद्मा आंटी को इनवाइट कर दो, जैसा मामा जी ने कहा इस पूजा में पहले दुश्मनों को आमंत्रित करते हैं। दोस्तों का क्या है, दोस्तों को तो पूजा में शामिल होना ही है। और पता है दामिनी, बात पूजा की है तो मुझे नहीं लगता कि इस शुभ अवसर को कोई मिस करेगा। पता है दामिनी, बात पूजा की है तो मुझे नहीं लगता कि इस शुभ अवसर को कोई मिस करेगा। हेलो। हेलो, नमस्ते आंटी, मैं दामिनी बोल रही हूँ। जीती रहो बेटा, कैसी हो? अच्छी भली हूँ आंटी। आंटी एक्चुअली आपको एक खुशखबरी देनी थी। हाँ बोलो दामिनी। आंटी आपको तो पता ही है मिल दोबारा शुरू हो रही है, और बस इसी खुशी में हमने मामा जी के घर पर गणेश पूजा का आयोजन किया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप राहुल और देवराज अंकल के साथ मामा जी के घर पर आए। मैं चाहती हूँ कि इस पूजा में वो सारे लोग रहें जो पापा के करीब थे, इससे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी, और पापा के करीब जितना देवराज अंकल रहे हैं उतना कोई भी नहीं रहा।
फिर चाहे कोई उनका दोस्त हो या दुश्मन। सबसे पहले तो तुम्हारे मील के लिए मैं तुम्हें बधाई दे रही हूँ। रही बात इनकी और राहुल की, तो उनकी फिक्र तुम बिल्कुल मत करो। भाई साहब की आत्मा की शांति के लिए मैं इन दोनों को लेकर जरूर आऊंगी। जी आंटी, रखती हूँ। खुश रहो। क्या हुआ दामिनी? अजमा ने मना कर दिया। मिशन सक्सेस। राहुल आ गया? राहुल आ गया? नहीं, अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं है? लेकिन ऑफिस से निकले हुए तो उसे बहुत वक्त हो गया, अभी तक कैसे नहीं पहुंची? हाँ, वो किसी दोस्त के यहाँ पार्टी में गया है, उसने फोन करके बता दिया था। क्या बात है, आज तुम्हारा मूड कुछ गड़बड़ है, खामोश खामोश से लग रही है। नहीं, कुछ भी तो नहीं। नहीं, कुछ तो है।